लेसन के अंदर हमने ब्रेन की आउटर कवरिंग से स्टार्ट किया था, ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझना, जिसमें हमने देखा था कि ब्रेन के आउटर साइड में क्रेनियल बॉक्स प्रेजेंट है और उसके अंदर जब हम मूव करते हैं तो ब्रेन की स्मूथ कवरिंग आती है, जिसमें तीन कवरिंग एक्चुअली आती है और उनको हम मेनिंजेस कहते हैं। सो ये पोर्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। हमने फिर उसके बाद ये बात करी थी कि जो हमारी ब्रेन की जो मैनेंजेस होती है उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग सबड्यूरल स्पेस, सबआर्कुलॉइड स्पेस कहते हैं। और सबड्यूरल स्पेस क्या होता है, देखिए सबड्यूरल स्पेस जो ड्यूरा मेटर और आर्किनॉइड के बीच में है, और सबआर्कुलॉइड स्पेस जो आर्किनॉइड और आपके पिया मेटर के बीच में है, ठीक है। फिर एक चीज और हमने डिस्कस करी थी कि इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना, उसमें सीएसएफ प्रेजेंट होता है। अब ये सीएसएफ क्या है, इसका भी हमने थोड़ा सा पोर्शन कवर किया था कि सीएसएफ एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इन शॉर्ट कहें तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका मेनली काम होता है कि एक मतलब हम लोग कह सकते हैं एक मीडिया की तरह ये काम करता है, जिसके अंदर ब्रेन अपना वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है, जहां से ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो अगर हम अच्छे मैनर में कहें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है और ये कैसे बनता है, तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन में एज वेल एज हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। बनता कैसे है, तो जैसे हमने कहा कि जो हमारी पिया मैटर और जो आर्किनोइड मैटर होती है, ये इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है ना। तो इसी पिया मैटर के पास में हमारी कोरोइड प्लक्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नोन एज कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। ये कोरोइड प्लेक्सिस जो है, एक सेकेंड गाइस, यस, कोरोइड प्लेक्सिस, ये जो कोरोइड प्लेक्सिस है इसी से हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि पिया मैटर के पोस्टीरियर साइड्स में भी हम देखते हैं कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, जिससे हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक का मतलब ये कि ये चेंज रहता होता रहता है, इसकी वॉल्यूम आपकी चेंज होती रहती है, ये फ्लो करता है आपके ब्रेन के अंदर, ऐसे एक स्टैटिक मीडिया नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है आपका। और इसका जो अमाउंट हमने देखा था अप्रोक्सीमेट 80 82 150, यस 150 मिलीलीटर, ये आपका एक अडल्ट के अंदर, एक हेल्दी अडल्ट के अंदर हमें इसका वॉल्यूम देखने को मिलता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है, मेनली क्या होता है, देखिए मैंने कल भी आपको कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है ना, समहाउ हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी ब्रेन के अंदर कुछ वैसी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। पहली चीज तो ये कि ये एक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एब्जॉर्बर बोले तो कि ये आपके ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, तो आपके ब्रेन को आपके स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जर्क से ये प्रोटेक्ट करके रखता है ना। क्योंकि हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोनल सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि जो हमारी न्यूरोनल सेल्स होती है उनके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है, वेव वहां पे ट्रेवल करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड के शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको कल भी बताया था एक मीडिया की तरह ये काम करता है, जिसमें न्यूट्रिशन मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है। इससे हमारा सॉरी यस, एक मीडिया है, और ये मीडिया किसके बीच में है, ये मीडिया है आपके ब्लड और आपके नर्वस सिस्टम के बीच में, ठीक है। ब्लड से न्यूट्रिशन को लेके नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करना और नर्वस सिस्टम से वेस्ट मटेरियल लेके ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर देना, किसका काम है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये आपके बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं है ना, हॉर्मोन्स जो होते हैं उनके लिए भी, मतलब हम इनको भी कैरी करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक मीडिया की तरह काम करता है, ये आपके एंडोक्राइन मीडिया की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इतनी बात हमने कल क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं कि जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये किस तरीके से ट्रैवल करता है ब्रेन के अंदर। देखिए ब्रेन के अंदर ये कैसे ट्रैवल करता है, इसका जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन प्रेजेंट है ना, हमने पहले कहा था कि जो स्पेस प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दीज मैमब्रेन, जो मैनिंजियस प्रेजेंट है ब्रेन की, उनके बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। और ये ट्रैवल कैसे करता है, इसके डायरेक्शन क्या है, तो एज यू कैन सी इसका जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है आपका,
है, इस तरीके से आपका फ्लो करता है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ। देखिए, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी एक्चुअल में ये क्या चीज है। ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया, मैं जो ये वाला पोर्शन शो कर रही हूँ ये है आपका मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ठीक है, इतना रीजन तो हमें क्लियर है क्योंकि मैंने कल आपको जो बताया था, मैंने जिस बताई, तो इतना पोर्शन आपको क्लियर है। अभी आपको ये वाला पोर्शन समझना है कि ये क्या चीज है ब्रेन के अंदर, ये वाला पार्ट हमें समझना है कि ये वाला पोर्शन क्या है। तो ये वाला सारा पोर्शन करने के बाद वापस हम इस स्लाइड के ऊपर आएंगे ताकि हमें ये समझ आए कि एक्चुअल में यहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगी कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले एक चीज तो हमारी ये हो गई कि ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारी तीन होती है। अब हम लोग ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन जो है, जब आप ब्रेन को स्टडी करते हो तो आप कहते हो कि हम ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है ना। अब हमारे ब्रेन में क्या है, एक्चुअली ब्रेन है क्या? ब्रेन में कुछ नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। 200 बिलियन न्यूरॉन्स का बना हुआ है हमारा ब्रेन। अगर आपसे पूछे कि ब्रेन क्या है, तो ब्रेन कुछ नहीं है, बस हमारे न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट है। वहां पे बहुत सारे न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट हैं जो कमांड देते हैं। सेंसरी वहां पे प्रेजेंट है, मोटर वहां पे प्रेजेंट है, जिनका काम है कमांड देना। ऐसे न्यूरॉन आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं और एक फ्लूड भरा हुआ है। उस फ्लूड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड। और जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं वो बहुत सारे आपके प्रेजेंट है अलग अलग रीजन में। हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं उस बेस के ऊपर कि किस रीजन के अंदर, किस रीजन के न्यूरॉन आपके कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और किस रीजन के कौन से फंक्शन को, उस हिसाब से हम लोग ब्रेन को डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं। सो हमने कहा कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 200 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे प्रेजेंट है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स नहीं होती हैं, आपके दो टाइप की सेल्स होती हैं। दो टाइप की सेल्स कौन सी? एक तो होती है न्यूरोनल सेल्स जिसको हम लोग फंक्शनल सेल कहते हैं, और एक होती है हमारी नरिशिंग सेल्स जिनको हम कहते हैं न्यूरो ग्लियल सेल्स। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोनल भी। अप्रोक्सीमेट 200 बिलियन न्यूरॉन्स तो हमारे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 200 बिलियन तो हमारी न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होती है, और अप्रोक्सीमेट 10 to 15 trillions, यस 10 to 15 trillions हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये बात तो आपको पता है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उनका काम है सपोर्ट का, उनका काम है नरिश करने का। किसको नरिश करना? हमारी फंक्शनल सेल जो कि है न्यूरोनल सेल। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल में शुरू करते हैं। तो इस बेस पे हम लोग हमारे ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। सभी को पता है कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं जब हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, और हमारा थर्ड पार्ट जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन जो होता है उसको अगेन हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। अब ये दो पार्ट कौन से हैं? एक तो होता है सेरेब्रम, सभी ने पढ़ा है ना, सभी को पता है, इतना बेसिक तो आप सभी को पता है। एक होता है हमारा डायनसेफेला। डायनसेफेलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर हम लोग फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते, और हाइंड ब्रेन के अंदर अगेन हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है जिसमें तीन बॉडीज आती हैं। एक होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा, पॉन्स वेरोलाई और सेरेबेलम। ठीक है, यस, ये है हमारा ब्रेन का क्लासिफिकेशन। हम लोग पहले हाइंड ब्रेन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से स्ट्रक्चर हमें थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देन हम मिड ब्रेन पे आएंगे और फिर फोर्थ ब्रेन की तरफ आएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। अभी इस स्लाइड को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारी मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसमें तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। साथ ही क्या होता है कि जैसे हमारे हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वैसे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं। और इन ये वेंट्रिकल, ये आपका जो ये स्पेस दिख रहा है ना, दिस इज वेंट्रिकल।
ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, आपको इतना याद रखना है, बाकी वेंट्रिकल के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। चलो हम यहीं से ही वेंट्रिकल का पोर्शन पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर शुरू करती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के पास भी वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन के पास भी वेंट्रिकल प्रेजेंट है। वेंट्रिकल एक्चुअली कुछ नहीं होता, सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक टाइप की कैविटी होती है, ये कैविटीज होती है जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखिए, ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, अब अगर ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं तो वो आपका स्टोर भी हो रहा होगा, और वो फ्लूइड आपका कहीं ना कहीं बन भी रहा होगा, है ना। तो बना कहाँ से? कोरोइड प्लग से, और स्टोर कहाँ हो रहा है? वेंट्रिकल में स्टोर हो रहा है, कैविटीज है ना ये हमारी। तो हमारे ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब ये चार वेंट्रिकल कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर जो चार वेंट्रिकल होते हैं वो आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब हम स्ट्रक्चर के साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि चार वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो वेंट्रिकल वन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पैराकोल भी कह देते हैं। देखो, कॉल का मतलब कैविटी ही होता है, जहां वर्ड कॉल ऐड हो जाता है ना, वहां हम कहते हैं कि ये कैविटी है, ठीक है। तो वेंट्रिकल कुछ नहीं होता, ये हमारे क्या होते हैं, एक टाइप की कैविटीज होती है जिसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा पड़ा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल वन जिसे हम कहते हैं पैराकोल, और हम इसे लेटरल वेंट्रिकल भी कह देते हैं। अब लेटरल वेंट्रिकल किस लिए कहा है? ये लेटरल वेंट्रिकल हमने इसलिए कहा है क्योंकि जो वेंट्रिकल वन और वेंट्रिकल टू होता है ना, ये दोनों ही हमारे ऊपर फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा वेंट्रिकल वन है, और इसी वेंट्रिकल वन के एकदम साइड में, क्योंकि देखो आपको इतना तो पता ही है कि हमारा जो सेरिब्रम होता है उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, तो एक वेंट्रिकल हमारे एक हेमिस्फीयर में है और एक वेंट्रिकल हमारे दूसरे हेमिस्फीयर में है। इसलिए हमने कहा लेटरल वेंट्रिकल, के जो वेंट्रिकल वन है वेंट्रिकल टू है, ये दोनों ऊपर ऊपर आपके फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। एक एक हेमिस्फीयर में है, दूसरा हमारे दूसरे में, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में, एक हमारा राइट हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो हम इनकी लोकेशन अगर देखें तो जो वेंट्रिकल वन है ये हमारा किस साइड प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही हमारा जो वेंट्रिकल सेकंड है उसे भी हम लोग लेटरल वेंट्रिकल ही कहते हैं, और ये जो प्रेजेंट होता है इट इज इन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वेंट्रिकल थर्ड पे आते हैं, वेंट्रिकल थर्ड जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं यस डायाकोल, और डायाकोल और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? डायनसेफेलॉन में, ठीक है, जो कि अगेन हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीन हमारे वेंट्रिकल होते हैं ना, वेंट्रिकल वन टू और थ्री, ये तीनों के तीनों हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। वेंट्रिकल वन और टू हमारे सेरिबम के अंदर प्रेजेंट है, जो एक एक लेफ्ट हेमिस्फेयर में होगा, दूसरा राइट में। जो राइट में प्रेजेंट है वो वेंट्रिकल वन है, जो लेफ्ट में प्रेजेंट है वो वेंट्रिकल टू है, ठीक है। और डायनसेफेलॉन जो कि हमारे फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट होता है, उसके अंदर हमारा वेंट्रिकल थर्ड प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल फोर की, तो जो वेंट्रिकल फोर है ना, ये अकेला हमारा वेंट्रिकल है जो किसका पार्ट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है आपके हाइंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकोल, यस, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन ब्रेन स्टेम और हमारा क्या होता है, सेरेबेलम, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या यहां से क्या चीज कवर करी कि हमारा जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये हमारे ब्रेन के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन हमने क्लियर किया कि एक सॉफ्ट एब्जॉर्बिंग मीडिया की तरह काम करता है, वर्क एज अ क्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, बायोन्सी प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इसी के अंदर होता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द ब्लड एंड द नर्वस सिस्टम। फिर इंडोक्राइन मीडिया की तरह भी काम करता है क्योंकि जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमसे ये पूछा जाए कि अगर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है।
तो एक वेंट्रिकल तो हमारा, दो वेंट्रिकल हमारे होते हैं ऊपर हमारे सेरिब्रम के अंदर, एक वेंट्रिकल होता है हमारा इधर, ये हमारा जो वेंट्रिकल है ना, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। और हमारा फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अगर मैं अकेला इन वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो एक सेकेंड गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमारे वेंट्रिकल की पोजीशन कौन सी है। लेट मी चेंज द कलर। यस, तो ये देखिए, ये वाला जो आपका एक वेंट्रिकल है ना, ये वेंट्रिकल हो गया हमारा फर्स्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल फर्स्ट। अब इसी के दूसरी साइड में, बिल्कुल दूसरी साइड में, तो हम कह सकते हैं दिस वन। ठीक है, इसी के दूसरी साइड में हमारा प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल सेकेंड। उससे जस्ट नीचे आप आते हो डाइनसेफेलन वाले पार्ट के अंदर, ये वाला जो है ये हमारा है वेंट्रिकल थर्ड। और नीचे जब आप फोर ब्रेन की तरफ आते हो तो ये जो आपको ट्राइंगुलर जैसा दिख रहा है ना, दिस वन इज वेंट्रिकल फोर। तो अब आपको ये डायरेक्शन अच्छे से समझ में आएगी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैसे ट्रेवल करता है। इक्विन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसमें ट्रेवल करता है, फिर एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में, दूसरे से तीसरे वेंट्रिकल में, और फिर ऐसे फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि अलोंग द वेंट्रिकल ये ट्रेवल करता है। क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी ये प्रेजेंट है, तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी ये ट्रेवल करता है। तो एक साइड से ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और एक साइड से असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ऊपर जाते हुए होगा, क्योंकि फ्लो करता रहता है ना। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, यहाँ से आपका फ्लो करके इधर एंटर करेगा, देन उसके बाद आपकी मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा, वापस फिर वेंट्रिकल में भी कैसे, पहले फर्स्ट में, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, और थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद वापस से स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका सर्वो स्पाइनल फ्लूड जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, अब ये आपसे पूछे कि ये जो हमारे वेंट्रिकल है, आप देखो क्योंकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ना, उसकी डायरेक्शन अभी आपको समझ में आई होगी अच्छे से कि हमारे ब्रेन के अंदर जो चार कैविटीज है उनके अलोंग किस तरीके से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ट्रैवल करता है। तो हमसे अगर पूछे कि इन चारों वेंट्रिकल को जोड़ने वाली अब कोई ना कोई, तो अब देखो चार टैंक है, हमने बस इतना इमेजिन करना है कि ब्रेन के अंदर चार टैंक प्रेजेंट है। अब टैंक ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं हो सकते ना कोई पाइप उनके बीच में प्रेजेंट होगी, है ना। तो आप जब इन टैंक को कनेक्ट करते हो, हमारा ब्रेन जो है उन जब ये कनेक्ट होते हैं, तो इनको कनेक्ट करने वाली जो पाइप है उनका क्या नाम है? देखिए, हमने कहा वेंट्रिकल वन, सेकेंड और थर्ड, जो कि हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है ना। तो इनको जो पाइप कनेक्ट करती है ना, उस पाइप का नाम हमने रख दिया फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, और जो आपके वेंट्रिकल थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करती है ना, उस पाइप को हमने नाम दे दिया सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर डक्ट ऑफ आइटर। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हमारे ब्रेन के अंदर चार टैंक प्रेजेंट है, तीन टैंक क्योंकि फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, बहुत ही पास पास है, इसलिए उन तीन टैंक को तो कनेक्ट करने वाली जो हमारी पाइप है ना, उसको हमने कह दिया फोरामेन ऑफ मोनरो, और जो हमारे तीसरे और चौथे को कनेक्ट करती है ना, उसे हमने कह दिया सेरिब्रल एक्विडक्ट। अगर मैं इस इमेज में आपको शो भी करूँ ना, तो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल था, है ना, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल था, और यहाँ पे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। तो इन दोनों को एक पाइप कनेक्ट कर रही है, ये जो पाइप आपको दिख रही है ना, दिस वन, ये जो पाइप है इसी को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ आइटर या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग आते हैं हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेन के लिए जब मैंने कहा कि ब्रेन को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो ब्रेन के मेनली तीन पार्ट होते हैं, और ये तीन पार्ट भी कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन जिसमें आप देखते हो कि ये जो पार्ट है ये सारा का सारा हमारा फोर ब्रेन है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, ये सारा का सारा फोर ब्रेन है। ठीक है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन ही होता है। इसके अगेन हमारे दो पार्ट होते हैं सेरेब्रम
और ये जो सेरेब्रम है इट इज अगेन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर उसके बाद हमारा आता है डायनसेफेलॉन, क्लियर। और सेरेब्रम को भी अगर हम आगे और क्लासिफाई करें ना, तो ये सेरेब्रम के अंदर भी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो सेरेब्रम है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला, जब आप इसका मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर समझने के लिए, एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो अप्रोक्सीमेट इसका 80% पार्ट हमारा बनाता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि सेरेब्रम के अंदर हमारे बेसल गैंग्लिया आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा पार्ट आता है लिम्बिक सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन, ओके। सेकंड जो हमारा आता है मिड ब्रेन, छोटू सा पार्ट होता है, बट क्योंकि मिड ब्रेन की वजह से ही हमारा फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और यहीं से हम कह सकते हैं न्यूरोनल कनेक्शन बनाता है हमारा मिड ब्रेन, है ना। तो ये जो मिड ब्रेन है इसका फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रखा। थर्ड जो पार्ट आता है जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, इस हाइंड ब्रेन के भी अगेन आपका तीन क्लासिफिकेशन हो रखा है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा और उसके बाद हमारा पोन्स वैरोलाई, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में अभी आपको बताया ही था। और पोन्स वैरोलाई के साथ साथ हमारा सेरिबेल, क्लियर। अभी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए, इतना जो हमारा जो ब्रेन है ना, उसको आप एक हार्ड स्ट्रक्चर की तरह मत देखो। आप ऐसे देखो कि हमारा जो ब्रेन है ना, एक ऐसे है कि हमारे पास एक स्टेम है और उस स्टेम के ऊपर एक फूल खिला हुआ है बहुत बड़ा सारा। तो जो फूल खिला हुआ है ना, ये हमारा फूल खिला हुआ है, इस फूल को तो हम कह देते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। तो जो फूल है वो हमारा फोर ब्रेन हो गया, और उसके नीचे जो हमारा स्टेम बच गया ना, वो हो जाता है हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये हमने बस इतना सा समझना है कि हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टेम के ऊपर एक फूल खिलाना है, और वो जो फूल खिलेगा वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और बड़ा पार्ट कौन सा है, हमारा फोर ब्रेन है। उसके बाद जो भी बच जाता है वो हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बच जाता है। अगर मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन बिल्कुल एक छोटू सा पार्ट है, इसमें आप देख रहे हो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। इस मिड ब्रेन के ऊपर ही हमारा थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर हमारा पूरा फूल खिला हुआ है, जिसके अंदर हमारा वेंट्रिकल वन और वेंट्रिकल टू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ब्रेन से नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये सारा पार्ट, एक सेकेंड गाइस, यस, ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये सारा ब्रेन के नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज सेरिबेलम। अच्छा, मैं इसके अच्छे से लेबलिंग कर देती हूँ ना, आपको समझ में आ जाए। तो फोर ब्रेन के अंदर ये हमारा पार्ट है सेरिब्रम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कुछ आपको इस तरीके से रीजन दिख रहा है ना, ये जो आपको रीजन दिख रहे हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारा वेंट्रिकल वन, दिस वन इज वेंट्रिकल सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डायनसेफेलोन होता है ना, वो इन्हीं के आसपास प्रेजेंट होता है, तो अच्छे से आपको इधर समझ में नहीं आएगा। फिर ये है हमारा मिड ब्रेन, जो कि अगेन आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। और फिर उसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है दिस वन, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पोन्स, सॉरी समथिंग इज, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, पोन्स वेरोलाई, यस, ठीक है, पोन्स वेरोलाई। फिर ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कह देते हैं मेडुला ओब्लेंगेटा, और दिस वन इज सेरेबेलम। इसके भी दो हेमिस्फेयर होते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर शुरू करें,
आई थिंक इसका स्ट्रक्चर हमें कल से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली ये आपका पूरा नहीं हो पाएगा, और हम लोग इस पार्ट को अच्छे से डिटेल में कल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा सा बस एक आउटर लाइन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पार्ट शुरू करने वाले हैं दैट इज हाइंड ब्रेन। वो इसलिए क्योंकि हाइंड ब्रेन से अगर आप समझोगे तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलोगे। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे बैक में हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है ना। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन को भी स्टडी करते हैं और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं, तो बस आप इतना समझिए कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पीछे की तरफ हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, हमारे डोर्सल साइड पे। जब ये स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ आती है तो एक होल होता है ना। अगर आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा फोरामेन मैगनम, एक होल होता है फोरामेन मैगनम। इस होल के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है ना। उस होल से ऊपर वाला पार्ट हमारा ब्रेन का होता है, उससे नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कंसिडर करते हैं, क्योंकि एज सच कोई क्लियर कट वहां पे ऐसी आउटलाइन नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती है कि आप ये बता सको कि भाई ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन है। बस हम इतना कहते हैं कि ब्रेन के जो हमारा स्कल होता है ना, उस स्कल के अंदर एक होल होता है और उस होल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड होती है। उस होल को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और यहाँ से हमारा ब्रेन का पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो पीछे पीछे वाला, आप इमेजिन करते हुए चलिए वो स्ट्रक्चर को, कि पीछे वाला जो हिस्सा है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, वो हमारा पोस्टीरियर यानी कि हमारा हाइंड ब्रेन हो जाता है। उस हाइंड ब्रेन के ऊपर हमारा मिड ब्रेन टिका हुआ होता है, और उसके बाद जितना भी पोर्शन बच जाता है वो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट बन जाता है। तो हम लोग आई थिंक हम लोग इसे अच्छे से कल से स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट कल हमारा ये ब्रेन का स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा पूरा। हम मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल पैनल में समझा दूंगी। टिल देन कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच गाइस।